तो टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो कुछ नहीं लगा हुआ, रेजिस्टर लगा हुआ है, नीचे डीसी करंट या डीसी ईएमएफ नहीं है, इसमें एसी ईएमएफ है। तो एसी के अंदर क्या लगा हुआ है, ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने ईएमएफ कितनी अप्लाई की, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे ये बताना है कि इस रजिस्टर में करंट कितना गया। बहुत सिंपल है, अगर आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भेज रहे हो तो करंट भी आर से डिवाइड करके क्या आएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस आएगा। तो आप सिंपली क्या करो, ई की जगह वैल्यू पुट कर दो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाय आर। और सबको पता है साइन का ये पूरा कोफिशेंट क्या आएगा, आए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। क्या चीज़ बनी कि अगर मैंने ओनली रजिस्टर है और मैंने ईएमएफ कितनी अप्लाई की, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इसमें कितना जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट इसमें? तो ये याद रहेगा कि अगर ईएमएफ ओनली रजिस्टर में अप्लाई करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको ये तो पहले ही पता था हमें, नहीं रजिस्टर के अंदर तो पता था, अब जब इंडक्टर कैपेसिटर आएंगे तो करंट चेंज हो जाएगा। वो तो कैसे चेंज होगा, ये असली चीज़ है, रजिस्टर में असली चीज़ नहीं है। रजिस्टर में तो पता ही है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये जो ईएमएफ का एंगल होता है, इसको फेज बोलते हैं फिजिक्स में, फेज याद है, वेव्स के अंदर बोलते थे फेज। तो ये ईएमएफ का फेज है और ये करंट का फेज है। तो हम क्या बोलते हैं, जब ओनली रजिस्टर है और ईएमएफ जो है वो एसी सोर्स है, तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज या ईएमएफ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब ना कोई ज़्यादा फेज में है ना कोई कम फेज में है, सेम फेज है। अगर ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल भी ओमेगा टी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और इसके अंदर अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो मान लो ये ईएमएफ है और ये मान लो टाइम एक्सिस है, तो अगर मैं ईएमएफ की इक्वेशन को यहाँ पर प्लॉट करूँ, तो इसके अंदर ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ईएमएफ की इक्वेशन ये बन गई, क्लियर है यहाँ तक, ये बन गई। और अगर मैं करंट को रिप्रेजेंट करूँ, करंट की इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये भी साइन का ग्राफ बनाएगा। तो साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये करंट की इक्वेशन है। आपको कहोगे ये ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि ईएमएफ और करंट की वैल्यू तो डिफरेंट ही होगी। हाँ, हो सकता है करंट ऊपर चला जाए, नहीं वो कोई चक्कर नहीं, पर आपने ये पास सेम पॉइंट्स ही करने हैं कि अगर ये एंगल जीरो है तो ये पाई एंगल है और ये टू पाई, तब बनेगा ये साइन का वेव फॉर्म। हाँ, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो ये इसके फेजेस के डायग्राम है, तो बनाने आने चाहिए कि ओनली रजिस्टर में ईएमएफ और करंट सेम फेज से पास करेंगी। सेम फेज का मतलब जब ईएमएफ का एंगल जीरो तो करंट का भी जीरो, जब ईएमएफ का एंगल पाई तो करंट का भी पाई, और जब ईएमएफ का एंगल टू पाई तो करंट का भी टू पाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना है। अब एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या, अगर आपको याद हो तो हमने वेव फॉर्म को या एसएचएम को रिप्रेजेंट किया था बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्लस वन में करते थे। तो हम दो वेक्टर लेंगे, एक ईएमएफ का वेक्टर है और एक करंट का वेक्टर। आपको अच्छा ईएमएफ करंट वेक्टर भी हो गए, नहीं वेक्टर नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है कि आपने ये इमेजिन करना है कि जैसे सपोज करो कोई ईएमएफ की इक्वेशन आपके पास क्या है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर आप एक ये वेक्टर ड्रॉ करो जिसने यहाँ पे एंगल कितना बनाया, ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ का वेक्टर है। एक्चुअल में वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं है, एक्चुअल में इमेजिन करो कि ये ईएमएफ का वेक्टर किस में घूम रहा है ना, सर्कल। तो जब ईएमएफ जीरो है तो ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, एंगल मेकिंग एन एंगल ऑफ जीरो। जब ये वेक्टर यहाँ पर आएगा 90 पे तो वेक्टर यहाँ आ जाएगा, जब ये 180 पे तो यहाँ जाएगा, 270 यहाँ जाएगा, 360 सर्कल कंप्लीट। तो यहाँ से वेव फॉर्म बनती जा रही है, यहाँ से सर्कल में घूमता जा रहा है ये। तो आई एम कंपेयरिंग माई वेव फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके अंदर क्यों करते हैं मैं बताऊँगा। तो अभी ये ईएमएफ है, तो ईएमएफ का ये फेज रिप्रेजेंट करने के लिए, ये फेजर डायग्राम भी बोलते हैं इसे, तो फेजर या वेक्टर डायग्राम, तो फेज क्या इसका, ओमेगा टी। तो ईएमएफ का फेज बन गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि करंट, क्योंकि ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरीके से करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर करंट का वेक्टर ड्रॉ करेंगे सेम टाइम पे, वो भी एग्जैक्टली सेम एंगल बनाएगा, कितना कितना, ओमेगा टी। तो करंट और ईएमएफ का एंगल हर वक्त क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, वेक्टर छोटा बड़ा हो सकता है, करंट की वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है,
तो ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यही ग्राफ को यहाँ प्लॉट किया गया, चेक कर लो कि ई नॉट है मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, या आई नॉट है मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, ये कुछ नहीं है, इतना ड्रॉ कर दो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे चल रही है इसमें।